आपने कई ऐसे आरएस ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी होंगी या सुनी होंगी जो अपने पहले ही प्रयास में आरपीएससी परीक्षा में सफल हो पाने में सक्षम रहे थे। दरअसल मेहनत को भी सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत होती है। अगर आप अपनी मेहनत को एकदम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको आरपीएससी परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मारो एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आरपीएससी परीक्षा को सेल्फ स्टडी के जरिए भी पास किया जा सकता है। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो विभिन्न कारणों से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और ऐसे में खुद से ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर आपने भी आरएएस ऑफिसर बनकर जनसेवा करने के बारे में ठान लिया है तो अपनी खास रणनीति बना लें। सिलेबस की चेकलिस्ट। आरपीएससी परीक्षा की सिलेबस की चेकलिस्ट तैयार करें। जो भी टॉपिक्स पूरा कर ले उसे लिस्ट पर मार्क करते जाए। सिलेबस को अपनी चेकलिस्ट के अनुसार पूरा करते रहे। ध्यान रहे कि कोई भी विषय आपसे छूट ना जाए। अपनी नींव मजबूत करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपको आरपीएससी पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों की मूल बातें समझने की जरूरत है। इसलिए एनसीईआरटी देखें। उन्हें एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। नोट्स बनाने से पहले उन्हें कम से कम दो बार पढ़ें। आरपीएससी की तैयारी के लिए बहुत अधिक किताबें जुटाने की जरूरत नहीं है, खास किताबें ही पढ़ें। अधिकतर चीजें इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिखने का अभ्यास खूब करें। प्रीलिम्स परीक्षा से पहले मुख्य परीक्षा का सिलेबस पूरा कर लें। इसके बाद जब 2 से 3 महीने पहले प्रीलिम्स परीक्षा पर फोकस करें। इस दौरान लगातार कई सारे टेस्ट थे, अभ्यर्थियों को मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए ताकि आपको अपनी तैयारी के स्तर का पता चल सके। अगर किसी अभ्यर्थी को पहले ही प्रयास में सफल होना है तो इंटरव्यू से पहले भी मॉक टेस्ट जरूरी दें। दिन में सभी विषयों के लिए समय का निर्धारण कर लें और उस हिसाब से टॉपिक्स को कवर करते चलें। हर रोज सुबह 1 घंटा अखबार जरूर पढ़ें। सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स की जानकारी बहुत जरूरी होती है। हर रोज किताबों के साथ साथ ही न्यूज पर भी ध्यान दें। कोशिश करें कि एक दिन की भी पढ़ाई मिस ना करें। रोजाना सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते रहें। परीक्षा के लिए पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि हर रोज जिन टॉपिक्स को पूरा किया है दूसरे दिन उसका रिवीजन जरूर कर ले। इस दौरान नोट्स बनाते चले। अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे सके, जिससे आपका दूसरे कामों में आपका समय बर्बाद ना होकर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर सके। और चाहे जो भी हो जाए, जो टाइम टेबल में पढ़ाई का समय आपने तय किया है उस समय पर कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा उस समय कोई भी दूसरे कामों में अपना मन ना भटकाएं। हमारी जिंदगी में लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी अपना लक्ष्य आरपीएससी को क्रैक यानी पास करने का बना लीजिए। जब भी आप पढ़ाई करें तो यह मत सोचें कि आपको 4 से 5 घंटे ही पढ़ना है, बल्कि ये फोकस करें कि हम आज ये सिलेबस कंप्लीट करके ही उठेंगे, तभी आप इस तरह की परीक्षा को पास कर पाएंगे। क्योंकि जो आपके साथ एग्जाम में बैठने वाले आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वे लोग इसी तरह की तैयारी कर रहे होंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं और एग्जाम में सिलेक्शन सीट्स कम होंगी। आरपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपनी रणनीति खुद तैयार करनी चाहिए। इससे आप अपनी क्षमता के अनुरूप तैयारी कर पाएंगे। ज्यादातर लोग डीमोटिवेट करने वाले मिलते हैं, ऐसे में जरूरी है कि खुद को पॉजिटिव रखते हुए लगातार तैयारी जारी रखी जाए। असफलता मिलने पर घबराने और निराश होने के बजाय अपनी रणनीति की समीक्षा करें और फिर जरूरत अनुसार उसमें बदलाव भी करने को तैयार रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए मारो एग्जाम। नमस्कार।